वेलकम टू माय ऑफिस। आप मानेंगे कि इसे क्रिएट करने के लिए मुझे एक साल लगा। दिस इज वेयर आई क्रिएट कॉन्टेंट। मेरा मिनी किचन है और ये है मेरा सोफा कम बेड, माई मोस्ट फेवरेट प्लेस ऑन दिस प्लैनेट। Welcome to my little slice of heaven in the heart of suburban Mumbai, मेरा ऑफिस। वैसे तो आपने मेरा ऑफिस कई सारे वीडियोस में देखा होगा, लेकिन आज का वीडियो इज अ स्पेशल डेडिकेटेड टूर। तो आप और मैं आज बिताने वाले हैं अ डे इन माय कोजी ऑफिस। लेट्स गो। मैं इस बात में बहुत बिलीव करती हूँ कि कोई भी काम अच्छे से करने के लिए एक माहौल क्रिएट करना जरूरी होता है। इसलिए तो स्कूल में शांति और डिसिप्लिन का माहौल होता है, क्लब्स में पार्टी और चिल्ड आउट माहौल होता है, घर में फैमिली वाला माहौल होता है। तो यहाँ पर इस ऑफिस में भी मैंने ऐसी ही एक कोशिश की है कि एक ऐसा माहौल क्रिएट करूँ जहाँ पर काम करने का मन करे, आने का मन करे, प्रोडक्टिविटी बढ़े और जहाँ क्रिएटिविटी फ्रीली अबंडेंटली फ्लो हो, जहाँ पर पीस हो और मिनिमलिज्म हो। आज इस ऑफिस टूर के दौरान आप एक चीज़ ज़रूर नोटिस करेंगे कि इस ऑफिस का हर एक कॉर्नर मेरी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करता है और यही बात मुझे प्रोडक्टिव रहने में मदद करती है। ऐसे ही मैं इसे स्लाइस ऑफ हेवन नहीं कहती हूँ, आई जस्ट फील एट होम व्हेन आई कम हियर। कम ऑन, बाहर से शुरुआत करते हैं। वेलकम टू द एक्सटीरियर ऑफ माय ब्यूटीफुल ऑफिस। जब मैं यहाँ पर आती हूँ ना तो मुझे लगता है कि आई हैव अराइव्ड होम। तो ये ग्रीन वॉल मैं हमेशा से क्रिएट करना चाहती थी। आप मानेंगे कि इसे क्रिएट करने के लिए मुझे एक साल लगा, मतलब एक साल इसे बनने में नहीं लगा, एक साल मुझे ये डिसाइड करने में लग गया। एंड दो दिन का प्रोसेस था ये, जहाँ पर एक टेक्नीशियन आए थे और उन्होंने एक ग्रीन वॉल इंस्टॉल की है। और मैं चाहती थी कि इसका डोर भी बिल्कुल कैमोफ्लेज लगे, कि पता ही ना चले कि डोर कहाँ है। सो हियर इज वेयर वी रिंग द बेल। First things first. Wi-Fi, water cooler. गर्मी कितनी है? This is where the magic happens. This is where I create content और आप सबसे connect करती हूँ। This is where I schedule my day, do my edits, talk to my team। यहीं पर मेरी Zoom meetings, team meetings, community meetings सब कुछ होता है। कैंडल्स 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 एक अलग ही टाइप का माहौल क्रिएट करते हैं ना। कैंडल्स द खुशबू जस्ट इंस्पायर्स मी टू क्रिएट मोर। आइए आपको जल्दी से अपना कैंडल वाला ड्रॉअर दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं रखती हूँ अपने कैंडल्स। कप, कॉफी पीऊँ? I love my Americano, especially dark roast. Cheers! तो यहाँ पर है मेरा छोटा सा किचनेट। किचनेट इसलिए कहती हूँ मैं इसे क्योंकि एक मेरा मिनी किचन है। यहाँ पर मैं रखती हूँ अपने हेल्दी स्नैक्स, चॉकलेट्स, केचप, सॉल्ट, मग्स, ग्लासेस, स्पून, फोक्स, प्लेट्स, सब कुछ यहाँ पर होता है। इतना ही काफ़ी है राइट, क्योंकि ज़्यादातर मैं अकेली होती हूँ, या फिर अगर मेरे साथ कोई होता है देन वी हैव अ क्विक लंच। तो एक दो लोगों के लिए यहाँ पर चीज़ें हैं। और ये है मेरी छोटी सी लाइब्रेरी। आइए दिखाती हूँ इसमें कौन सी बुक्स हैं। यू नो, जब मुझे कोई क्विक ब्रेक्स लेने हो तो आई कम हियर टू माई रीडिंग कॉर्नर। दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक, इट इज फॉर एक्टर्स, हाउ टू रिहर्स व्हेन देयर इज नो रिहर्सल, चिकन सूप फॉर द सोल। बहुत सारी छोटी कहानियों का कंपाइलेशन है। देन आई हैव द इकिगाई जर्नी। ऑनेस्टली ये बुक मैंने अभी नहीं प्रॉपरली पढ़ी है, मतलब आई स्टार्टेड इट एंड आई लेफ्ट इट मिडवे, सो आई वांट टू स्टार्ट दिस बुक अगेन। एंड देयर इज अ रियली नाइस इंटरेस्टिंग बुक अगेन फॉर एक्टर्स, स्टैनिस्लावस्की, एन एक्टर प्रिपेयर्स। एंड देयर आई हैव ट्विंकल खन्ना, दिस इज फनी बुक।
books which I recently got. A Little Book of Tidiness. Ye book maine actually, I judged it by its cover and I got it and I'm excited. It's all about how to keep things neat and clean and tidy and to live a clutter-free life. This is Burn After Writing. Aap aisi sari cheeze likh sakte ho. This is also very new, I want to complete it. The stupidest thing I have done, the hardest choice I have ever had to make. 5 milestone experiences that made me the person I am today. In 10 years where I will be, in 5 years where I will be. I love this book. And yahan par hai hamara, ta-da, the silver button from YouTube jo hame mila tha, yani aapko aur mujhe, to complete 100,000 subscribers on YouTube. Aur yahan par ek mera trinket box hai. I love it. Over to the next station. आप लोगों से बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चला, पेट से गुड़ू गुड़ू की आवाजें आ रही है, भूख लगी है, लंच टाइम हो गया। अच्छा बाय द वे, आप लोगों को पता है ना, लास्ट फ्यू वीक्स में मैंने कुछ केजीज रिड्यूस किए हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कैसे, तो ऐसे थोड़ी बताऊंगी। यू हैव टू लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो दैट यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ आई हैव लॉस्ट ऑल दिस वेट सो क्विकली, देन आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन एग्जैक्टली व्हाट आई एम ईटिंग, व्हाट आई एम डूइंग, हाउ आई एम वर्किंग आउट और व्हाटएवर माय प्लान इज। तो आइए खाना खाते हैं। लंच, ये मेरा आइस बॉक्स है, इस पे मैं खाना कैरी करती हूं। So, देखते हैं आज लंच में क्या है। टुडे वी हैव ग्रीक स्टाइल एग सैलेड विद मैकरोनी, ब्लैक आइड बीन्स एंड डिल ड्रेसिंग। पता है मैंने एग्स खाना एटलीस्ट 12 या 13 इयर्स बाद शुरू किया। सो दिस इज माय ड्रेसिंग एंड दिस इज माय मील। अ गुड बैलेंस्ड मील कीप्स मी एनर्जाइज्ड एंड हेल्दी। अपना ख्याल रखोगे तभी तो दूसरों का रख पाओगे। चियर्स। पेट पूजा हो चुकी है, मेडिसिन टाइम। यस, दैट्स माय फैंसी मेडिसिन ऑर्गेनाइजर। इतनी सारी दवाइयां सोच रहे हैं आप लोग? आपको पता है ना कि रिसेंटली मेरा फ्रैक्चर हुआ था, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए थे एक्चुअली, सर्जरी हुई, रॉड इंसर्ट हुआ फ्रॉम माय नी टू द एंकल, मेडिकल एक्सपेंसेस फ्लो थ्रू द रूफ, ऊपर से दवाइयों के खर्चे। 6 महीने हो चुके हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 6 महीनों में मेरा कितना मेडिकल एक्सपेंस हुआ होगा दवाइयों के पीछे। कुछ दिनों पहले मैं मॉम से घर पर बात कर रही थी और मेरी मेड ने सुन लिया, तो मेरे पास आई, उसने कहा मैम आप क्यों चिंता कर रहे हो, मेरे पास सोल्यूशन है। उसका बेटा कुछ दिनों पहले बीमार हुआ था, वो मेडिकल एक्सपेंसेस बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, तो उसे जेनो हेल्थ केयर के बारे में पता चला और उसने मुझे जेनो हेल्थ केयर से इंट्रोड्यूस किया। जेनो हेल्थ केयर हैज कम टू माय लाइफ एज अ बून। फिर मैंने अपने कुछ डॉक्टर फ्रेंड्स को इसके बारे में पूछा एंड देन आई थॉट दैट व्हाई डिडंट आई नो अबाउट दिस बिफोर, आई कुड हैव सेव्ड सो मच मनी। जेनो हेल्थ इज अ जेनेरिक मेडिसिन फोकस्ड फार्मेसी फाउंडेड इन 2017 बाय IIT बॉम्बे एलुमनाइज। जेनेरिक मेडिसिन की क्वालिटी और एफिकेसी बिल्कुल ब्रांडेड मेडिसिन जैसी होती है। जेनेरिक मेडिसिन सेम स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स, टेस्टिंग नॉर्म्स और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में प्रोड्यूस होती हैं। बट ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल जायंट्स अपने मार्केटिंग में, प्रमोशन में बहुत पैसे खर्च करते हैं, इसलिए उनकी दवाइयाँ एक्सपेंसिव होती हैं। एंड जेनो हेल्थ सेव्स ऑन दोज कॉस्ट सो दैट इट कैन ब्रिंग यू मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइसेस। If you compare a generic medicine versus a branded medicine, you will realize that the salts and compositions are the same. Chronic illnesses जैसे कि BP, cholesterol, thyroid, cardiac, इन सब की भी generic medicines होती हैं। All the generics in Zeno Health are from the top 5 manufacturers recognized and promoted by the government of India. Zeno Health provide करता है genuine high quality generic medicines. आप guaranteed 15-80% save करते हैं। इससे ज्यादा सेविंग्स और कहीं मिल ही नहीं सकती। जेनो हेल्थ केयर ऑनलाइन भी अवेलेबल है थ्रू देयर ऐप कॉल्ड जेनो हेल्थ एंड मुंबई एंड पुणे में इसके 175+ सेंटर्स हैं। कंसल्ट योर डॉक्टर अबाउट जेनेरिक्स एंड विजिट योर नियरेस्ट जेनो हेल्थ स्टोर टू सेव ऑन योर हार्ड अर्न मनी, जैसे मैं करती हूँ। जेनो की सुनो, स्मार्ट चुनो। चलिए ऑफिस का टूर अभी बाकी है। I am having so much fun taking you guys around. Thank you so much for spending this day with me and thank you कि आप लोगों की वजह से मैं ये videos बना पाती हूँ जो मेरी life की भी एक journal बन गए। हमेशा कहती हूँ ना मैं कि when I look back and I will look at these videos of how far I've come in life, I'm gonna smile back. So thanks
सो मच एवरीबॉडी. कोई भी कोजी छोटी सी जगह में जब हम मिरर्स ऐड कर देते हैं या फिर ग्रीन्स ऐड करते हैं, प्लांटर्स ऐड करते हैं, तो वो जगह स्टफी सी नहीं महसूस होती. यू नो, यू डोंट रियली फील कि आप एक छोटे से डब्बे के अंदर हो. यही हाल कुछ मेरे ऑफिस का है. सो आई मेड श्योर दैट इट्स ऑल वाइट. वाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट एंड इट जस्ट गिव्स यू दैट सूदिंग एंड पॉजिटिव वाइब. ऑफिस की खास बात यह है कि हालांकि ये वैसे छोटा है, लेकिन इसकी फ्लोर टू सीलिंग की जो हाइट है वो काफी ज्यादा है. यहाँ पर मैंने कुछ प्लांट्स ऐड किए. ये मॉन्स्टेरा प्लांट है जो आप लोगों को अच्छे से पता है, बिकॉज आई हैड मेड अ व्लॉग ऑन दिस, राइट. मॉन्स्टेरा इज रियली गुड. इट्स अ नाइस इंडोर प्लांट. कभी कभी पानी देना पड़ता है. इट्स नॉट वेरी वेरी वाटर लविंग एंड इट्स ब्यूटिफुल. आई लव द लीव्स द वे इट इज. ये मेरे ऑफिस का पहला ग्रीन स्पॉट था. देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन जो ये ग्रीन वॉल्स और ये सब बनाती है. आई चोज दिस फ्रॉम हर. तो हमने दो तीन अलग टाइप के ग्रीन वॉल्स के छोटे छोटे पैचेस चूज किए. फिर जुड़वा के मैं एक फोटो फ्रेम वाले के पास गई और फोटो फ्रेम बनवाया. और उसके बाद ये पूरी चीज, फोटो फ्रेम को पहले वॉल में लगाया, फिर इसको वॉल में लगाया. एंड आई मेड दिस ब्यूटिफुल फ्रेम एंड इट लुक्स सो अमेजिंग इन द पिक्चर्स. ग्रीन जस्ट अपलिफ्ट्स द पिक्चर कम्प्लीटली. आइए और देखते हैं कि ऑफिस में और क्या क्या ग्रीन्स हैं. सो ऑफिस के अलग अलग कॉर्नर्स में मैंने बहुत सारी ग्रीनरी ऐड की है. छोटे छोटे लिटिल प्लांटर्स, क्रीपर्स इन वेरियस प्लेसेस, गिटार के पास, एसी के पास, ऑन द सीलिंग, बिकॉज देयर वाज अ पार्ट ऑफ द सीलिंग जहाँ पर मैं जिसे कवर नहीं कर सकती थी. सो आई थॉट व्हाट बेटर वे टू कवर इट दैन विद क्रीपर्स. आई बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ लिटिल थिंग्स. इसीलिए इन डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ दिस ऑफिस देयर आर लिटिल टाइनी क्यूट एलिमेंट्स दैट ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस एंड मेक मी फॉल इन लव विद दिस प्लेस ऑल ओवर अगेन. और ये है मेरा सोफा कम बेड. सो जब मैं थक जाती हूँ चेयर पर बैठे बैठे और कभी कभी गैप्स होते हैं मीटिंग्स में, चिल करती हूँ इस पर. That's why I love this place so much. क्योंकि यहाँ पर मैं क्या नहीं करती यार. My meetings, I work, I eat, I talk on the phone, I make good content, I chill, I lie down. This is truly my most favorite place on this planet as of now. बस, we are almost done. मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि इतने छोटे से ऑफिस का मैंने आप लोगों को इतना लंबा टूर दे दिया है. तो आइए, let's see one last beautiful thing. The last element of the office, the mirror. ये मिरर मैंने खुद, आई वॉन्टेड टू ट्राई माई हैंड्स ऑन मिक्स मीडिया. तो दिस इज एक्चुअली अ वर्क इन प्रोग्रेस. आई वांट टू स्टिक सम विंटेज मेटल स्टफ लाइक कीज एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स. मैंने कुछ टेक्सचर्स भी बनाए हैं. आई एम लर्निंग मिक्स मीडिया. ये मिरर बहुत स्पेशल है क्योंकि पहली बात तो ये बहुत पुराना मिरर है एंड इट हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट. एंड आई हैव सीन माई सेल्फ इन मेनी वेज इन द मिरर, मेनी रिफ्लेक्शंस ऑफ माइंड. आई हैव सीन माई बॉडी गो थ्रू डिफरेंट स्टेजेस. इट्स स्पेशल. इसलिए मैं चाहती थी कि ये मिरर मेरे ऑफिस का एक पार्ट बने. मैं बार बार इसमें आके अपनी रिफ्लेक्शंस देखती हूँ थ्रू द डे. जाते वक्त अपने आप को बाय बोलती हूँ. आप लोगों ने कई बार इंस्टाग्राम स्टोरीज में देखा होगा. आई क्लिक अ पिक्चर ऑफ माई रिफ्लेक्शन. आई जस्ट वॉन्टेड टू थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो अप अंटिल हियर. थैंक यू सो मच. दिस ऑफिस इज माई सीक्रेट स्पेस. इट कीप्स मी इन सिंक. मुझे ऐसा लगता है दिस इज अ प्लेस दैट आई बैलेंस माई सेल्फ इन. इट्स माई लिटिल कोजी कॉर्नर. आई फील लाइक आई एम होम व्हेन आई कम टू ऑफिस. आई होप कि आप लोगों की लाइफ में भी ऐसी एक जगह होगी जहाँ पर आपको ऐसा फील हो. मे बी इट्स योर होम, मे बी इट्स अ पर्सन, मे बी इट्स योर ऑफिस, मे बी इट्स स्पेंडिंग टाइम विद अ फ्रेंड. फॉर मी इट्स कमिंग हियर. स्प्रेड द लव एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी.